चंडीगढ़ नगर निगम चुनावी दौर में अब हम पहुंच चुके हैं 49C में, जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार गुप्ता जी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसा चल रहा है उनका ये डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस पार्टी को हम देख रहे हैं काफी जोरों शोरों से प्रचार करते हुए, आपका क्या कहना है इस बार कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है? मैडम, लोगों का जो उत्साह लोगों में हम देख रहे हैं निरंतर पूरे चंडीगढ़ के अंदर, ओवरऑल चंडीगढ़ कॉलोनियां हों, शहर हों, गांव हों, जबरदस्त उत्साह है लोगों में भाजपा को हराने का। कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने के लिए लोग उतावले हुए बैठे हैं। ये तो 24 तारीख को मतदान हो रहा है, अगर पहले होता तो पहले लोग कमर कस के बैठे हैं। अभी इस बार भाजपा को जमीन दिखाएंगे, जो लोगों को इन्होंने इतने सालों से परेशान किया है। महंगाई व्यवस्था देख लें, जो चीज़ें राशन की जरूरत की चीज़ें हैं, 70-75 रुपये की सरसों के तेल की बोतल आज 210 रुपये में बिक रही है, जो बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। खाद्य पदार्थ, सब्जियां, जो गरीब लोग जिनकी दिहाड़ी मतलब उनका गुजारे का साधन है, उनके लिए ये जीवन जो इतना महंगा हो चुका है, ये मेरी समझ में इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और मैं ये इन सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार को जितनी जल्दी चलता करेंगे उतना लोग जल्दी से अपना जीवन में सुधार कर पाएंगे। ये मेरी सभी जो मेरे साथ लोग देख रहे हैं, सभी से प्रार्थना है कि इस बार अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के लिए करें। कांग्रेस पार्टी उनके भविष्य के लिए, सुनहरी सपनों के लिए हमेशा अग्रसर रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आप जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ से किस तरीके का रिस्पांस आपको देखने के लिए मिल रहा है लोगों से? देख ही रहे हैं, जबरदस्त उत्साह है लोगों में। कोई भी कैंडिडेट जहाँ पर अभी तक मेरे हिसाब से ठीक तरीके से प्रचार भी नहीं कर सका, क्योंकि लोगों में मुंह दिखाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए किया कुछ नहीं है। ये एग्जाम्पल है हमारे लोकप्रिय सांसद श्री पवन कुमार बंसल जी का, जिनके वक्त में ये कॉलोनी का निर्माण हुआ और चंडीगढ़ के सुनहरे भविष्य के लिए उन्होंने कल्पना की, और मैं धन्यवाद हूँ उनका भी। उन्होंने जो जमीनी स्तर के जो गरीब, अति गरीब लोग हैं, उनके लिए उनका विज़न, उनकी पार्टी की सोच, उनके लिए जो उन्होंने चंडीगढ़ के लिए किया, मैं उनका एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और लोगों को ये आश्वस्त करता हूं भी, जो भी सपने किसी के भी कांग्रेस पार्टी की तरफ उन्होंने देखे हैं, मेरी पार्टी के लोकप्रिय सांसद, पूर्व सांसद श्री पवन कुमार बंसल जी से, और जो भी तमन्नाएं हैं भगवान और मेरी पार्टी उनकी सभी की इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। यहाँ लोगों से बातचीत करके क्या परेशानी आपके सामने आई है, कौन सी मेजर परेशानी ऐसी है जो जिससे लोग परेशान हो रहे हैं? मेजर समस्या जो मेरी समझ में आई है, यहाँ चारों तरफ सीवरेज चौक हुआ पड़ा है, चारों तरफ गंदगी की भरमार है, और पार्कों की स्थिति ऐसी है जैसे बुरी हालत है, कहीं भी कोई पार्क ठीक स्थिति में नहीं है। हम ये चाहते हैं, मेरे को अगर सदन में बैठने का मौका मिलेगा, मैं ये लोगों से आज ये वादा करता हूँ भी एक महीने के अंदर अंदर जो इस इलाके की समस्याएं हैं, जैसे सीवर जगह जगह से चौक हुआ पड़ा है, मैं और मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रयास रहेगा भी हम जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान करा सकें। के थ्रू हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारे चैनल के थ्रू हमारे दर्शकों को किसी तरीके का मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं आप सब दर्शकों, दूसरा कॉलोनी वासी जो यहाँ पहुँचे हैं, इनको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने पिछले 5 साल में बीजेपी की काउंसलर का काम देखा, वो आपके बीच में नहीं आई, जो आपकी बेसिक ज़रूरतें थी वो नहीं पूरी करेगी, सफाई नहीं पूरेगी, सीवरेज ओवरफ्लो है, पार्कों का कोई रख रखाव नहीं है, बच्चों को भी जो इनको सुविधाएं एमसी के थ्रू दे सकती थी, चाहे एजुकेशन में चाहे स्वास्थ्य में, कोई भी सुविधा इनको उपलब्ध नहीं करवाई। वो हर बार नया वार्ड चुन लेती हैं और वो वहाँ चली जाती हैं। अब मैं अपने इन कॉलोनी वासियों को एक ही बात कहूँगी कि इस बार आप मौका कांग्रेस पार्टी को दें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विजय करें। आपके यहाँ कॉलोनी के जो नेता है उनकी भी पूरी सुनवाई होगी, हम भी बैठे हैं, और देवेंद्र जी गुप्ता जीत कर जाएंगे, सदन में आपकी बात उठाएंगे, और हमारे नेता जो है श्री पवन कुमार बंसल जी बहुत सक्षम है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जो काम होगा वो उनसे करवाएंगे, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है इनसे कराएंगे। एक बार मौका देवेंद्र गुप्ता जी को दे और कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जिताए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग NT24 न्यूज़, द नेशनल टेली 24 न्यूज़।